नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी से खबर। पिछले कई दिनों से गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत की ओर से झांसी की गरोठा तहसील में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय की स्थापना की मांग की जा रही थी। इसे सरकार ने स्वीकार करते हुए एडीजे मुसिफ को चलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को अपना स्वीकृति पत्र भेज दिया है। शासन ने अपर सत्र न्यायालय को संचालित करने के लिए पदों की स्वीकृति कर उन्हें भरे जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के महानिबंधक को पत्र भी भेज दिया है। इसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए 11 पद और सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए 11 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। गरोठा विधानसभा के विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि गरोठा विधानसभा द्वारा मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां के लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए झांसी आना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। विधायक ने बताया कि गरोठा क्षेत्र का विधायक बनने के बाद उन्होंने गरोठा में एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग शुरू की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की गई और इसके अभाव में होने वाली परेशानियां उनके संज्ञान में लाई गई। एडीजे कोर्ट का मामला विधानसभा में उठाया गया और समय समय पर इसे मंत्री, मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारियों से जनता की जरूरत बताते हुए अनुरोध किया जाता रहा। पिछले दिनों एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एडीजे कोर्ट का मामला लाया गया था, जिसके बाद गरोठा सर्किल के अंतर्गत आने वाले थाने गरोठा, गुड़सराय, ककरबई थानों के वाद कार्यों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन योगी सरकार के एडीजे कोर्ट मुसिफ को चलाने की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र लिखा गया। गरोठा क्षेत्र में एडीजे कोर्ट की स्वीकृति एक बड़ी उपलब्धि के साथ वाद कार्यों के लिए राहत की बात है। योगी जी सरकार में हर व्यक्ति को न्याय मिले और स्थानीय स्तर पर ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास हुआ है। इसी तरह गरोठा में एक एडीजे कोर्ट और एक सीनियर डिवीजन अपर की स्थापना, बिल्डिंग तैयार है और न्यायिक अधिकारियों के लिए और स्टाफ के लिए पद सृजन की कार्रवाई पूरी हो गई है और हमें लगता है जल्दी जल्दी वहाँ दोनों कोर्टों की स्थापना हो जाएगी। और जो गरीब व्यक्ति को एक दिन पहले चलकर झांसी तारीख के लिए आना पड़ता तो उसका समय बर्बाद होता था और पैसा बर्बाद होता था, और इसके लिए उसे गरोठा में ही जो गरोठा सर्किल है, चाहे गुरसराय थाना हो, एरज थाना हो, ककरवई थाना हो, उस सर्किल के जितने भी थाने हैं उन सभी वादकारियों को वहाँ पर झांसी नहीं आना पड़ेगा, उन्हें वहीं गरोठा में ही जो न्याय की प्रतीक्षा में या झांसी आते थे और समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब गरोठा में ही उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा, तुरंत न्याय मिलेगा। और ये सरकार ने और सरकार से अपन ने लगातार पिछले वर्षों में प्रयास किया और आज हम कह सकते हैं योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी सफलता गरोठा क्षेत्र के लिए हुई है। ये चूंकि न्यायालय हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का होता है और वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते उनके द्वारा ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चलाई जाती है और हम समझते उनके पास भी पहुँच गया और अपन भी जल्दी से जल्दी चाह रहे कि जल्दी वहाँ कोर्ट प्रारंभ हो जाए। वो चूँकि न्यायिक अधिकारियों करना है और जल्दी ही होगा, चूँकि जो लेकिन शासन स्तर पर एक काम होना था वो पूरा हो गया।